हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग कान की मशीन यानी कि हियरिंग एड के बारे में जानेंगे कि हियरिंग एड क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने टाइप्स की होती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट हियरिंग एड होता है यानी सबसे अच्छी मशीन कौन सी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सुनने की क्षमता खत्म होने से पहले अगर कान की बीमारियों का इलाज करा लिया जाए तो हियरिंग लॉस को रोका जा सकता है। उम्र की सभी अवस्थाओं में गुड हियरिंग बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक दूसरे की बातों को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर सुनने की शक्ति कम हो जाती है तो कान की मशीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कान की मशीन क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। सभी हियरिंग एड में बेसिक पार्ट्स होते हैं जो वातावरण से आ रहे साउंड को कानों तक पहुंचाते हैं और फिर उन्हें लाउड कर देते हैं। ज़्यादातर हियरिंग एड डिजिटल होते हैं और ट्रेडिशनल हियरिंग बैटरी या रिचार्जेबल बैटरी से काम करते हैं। कान की मशीन में लगा स्मॉल माइक्रोफोन वातावरण से आवाज़ों को एकत्रित करता है और एम्पलीफायर में लगी कंप्यूटर चिप इनकमिंग साउंड को डिजिटल कोड में चेंज कर देती है। हियरिंग लॉस सुनने की ज़रूरतों और आपके आसपास के वातावरण से आ रही आवाज़ों के अकॉर्डिंग ही साउंड एडजस्ट होता है। एम्पलीफायर जो सिग्नल्स होता है वो साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाता है और स्पीकर्स के माध्यम से आपके कानों तक पहुँचते हैं। अब जानते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है, जो कान की मशीन है हियरिंग एड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। हियरिंग एड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला एनालॉग हियरिंग एड, जो यह मशीन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। दूसरा होता है डिजिटल हियरिंग एड, जो मशीन साउंड वेव्स को न्यूमेरिकल कोड्स में चेंज कर देता है। आपको जैसी समस्या है उसी के अनुसार आपको कान की मशीन उपलब्ध की हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप इस बारे में एक बार अपने मतलब नियरेस्ट जो डॉक्टर होता है, कान का डॉक्टर है या ENT का डॉक्टर है, उनसे आप एक बार लगाने से पहले कंसल्ट कर सकते हैं। कान की मशीन खरीदने से पहले कुछ बातें हैं वो जानना ज़रूरी होती है। अगर आप किसी से कान की मशीन खरीद रहे, हियरिंग एड खरीद रहे, तो उनसे कुछ सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते टाइम आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हियरिंग जो एड होते हैं उसके जो फीचर्स होते हैं उसके अनुसार ही इनके दाम भी अलग होते हैं। आपकी समस्या के अनुसार हियरिंग एड आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि कौन से कान की मशीन बेस्ट है तो आपको खरीदने से पहले ये प्रश्न जरूर पूछने चाहिए कि कौन से फीचर्स आपके लिए उपयोगी है और कौन से नहीं। हियरिंग एड की लागत कितनी है, क्या इससे आपको कोई इससे आपके नए फीचर्स इसमें आपको कोई नए फीचर्स मिलेंगे, क्या ट्रायल पीरियड के लिए कान की मशीन उपलब्ध है, अगर हाँ तो आपको कितने रुपए में मिलेगी, वो समय पर न लौटाने पर कितने रुपए कट जाएंगे, हियरिंग एड की वारंटी क्या है, ऐसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कान की मशीन में किस तरह की समस्या आती है, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सब सवाल आपको जिनसे आप खरीदते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो ये है हियरिंग एड खरीदने से पहले क्या जानकारी होनी चाहिए आपको। अब जानते हैं कि कौन सा हियरिंग एड आपके लिए बेहतर है। ये बात निर्भर करती है आपको किस तरह का हियरिंग लॉस है। अगर आपके दोनों कानों में हियरिंग लॉस है तो आपको दो हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों कानों में हियरिंग एड पहनने से ब्रेन को नेचुरल सिग्नल मिलेंगे और साथ ही ये भी आसानी से पता चल सकेगा कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको इस बारे में ऑडियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि कौन सा हियरिंग एड आपके लिए बेहतर रहेगा। महंगे हियरिंग एड में फीचर्स अधिक होते हैं। अगर आपको अधिक फीचर्स की ज़रूरत है तो सस्ते हियरिंग एड न लें। एक बात का ध्यान रखें कि सिर्फ कम पैसे के चक्कर में अच्छा हियरिंग एड मिस न करें। आप चाहे तो इस बारे में अपने जो ENT स्पेशलिस्ट है उनसे एक बार एडवाइस कर सकते हैं। अब आप ये जानोगे कि आपने हियरिंग एड ले लिए यानी कान की मशीन, अब उसकी देखभाल कैसे करें। तो कान की मशीन या हियरिंग एड को नहाते समय उतार कर रख दें। गीला होने या फिर मॉइस्चर होने पर मशीन ख़राब हो सकती है। बेहतर होगा कि आप मशीन को हीट से भी दूर रखें। ऑयलिंग करते समय भी आप मशीन को कुछ देर के लिए हटा सकते हैं। जब कान की मशीन यूज़ न करनी हो तो आप उसे बंद कर दें ताकि बैटरी ज़्यादा न खर्च हो। अगर बैटरी ख़त्म हो गई है तो उसे समय पर चेंज करा लें। तो ये है हियरिंग एड के बारे में यानी कि
कान की मशीन के बारे में। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।